हेलो गाइस, ज्ञान की बात थोड़ी लंबी हो सकती है पर आप ध्यान से सुनिएगा। अगली जो क्लिप आएगी वो होगी ज्ञान की बात। भारत की भूमि पर यदि कोई दूसरे गौतम बुद्ध हो सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध यदि कोई हो सकते हैं, तो लोगों को शायद अजीब लगे, परंतु मैं बताऊंगा कौन हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो वो नाम है राहुल गांधी जी। भारत की भूमि पर अगर दूसरे कोई गौतम बुद्ध हो सकते हैं तो राहुल गांधी ही हो सकते हैं। इसका मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्सियल विषय बन सकता है। लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ी है, लोगों को उनके बारे में ढंग से नहीं पता था, अब सुधर रही है उनकी छवि, लोगों को समझ में आ रहा है कि वो कितने अच्छे हैं। तो इन सब टॉपिक को छोड़ते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि वो क्यों हो सकते हैं। तो गौतम बुद्ध कौन थे? वो अखंड भारत के एक राजा के बेटे थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और सिद्धार्थ गौतम जो है इतने बड़े राज्य के राजा का बेटा, जिसने जीवन में हर एक ऐशो आराम, हर अपनी सुख सुविधाएं, अपनी पसंद की चीज़ें सब कुछ कर चुके होंगे। राजपाट था, सत्ता थी, ताकत थी, पैसा था, हर वो चीज़ जो उनके जीवन में एक इंसान की, किसी भी इंसान की लालसा होती है, लालच होता है कि वो चाहिए मुझे, वहाँ तक पहुँच जाऊँ, वो उनको बाय बर्थ मिली। तो उसके बाद क्या, उसके बाद उनको सिर्फ सब कुछ तो कर चुके हैं, उसके बाद उनको ये है कि अब क्या करूँ आगे, हर चीज़ से मन भर चुका है, हर चीज़ कर चुके हैं जीवन में, जो इंसान सोच सकता है वो सब कर चुके होंगे। तब उनको लगा कि अब लोगों के बीच में जाया जाए, ज्ञान की बात करी जाए, लोगों के दुख दर्द को समझा जाए, तो वो गौतम बुद्ध बने। गौतम बुद्ध क्यों बने? क्योंकि सब कुछ वो, उनके मन में कोई लालच ही नहीं था किसी प्रकार का, कोई शौक बचा ही नहीं था। ऐसे ही राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी जिस परिवार में पैदा हुए, सत्ताधारी परिवार में, पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में सत्ता चल रही है, एक हैंडसम लड़के रहे हैं, आज भी बड़े हैंडसम दिखते हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, शरीर से ताकतवर भी हैं, अच्छे मसल स्ट्रांग भी दिखते हैं, इंटेलिजेंट बंदे भी हैं, हर वो चीज़ ऐसो आराम की और हर वो शौक पूरा कर चुके होंगे जो आप लोग सोचते हो या इस दुनिया में सोच रहे हैं लोग। आप किसी भी प्रकार का शौक सोच सकते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे होटलों में, वो सब उनके पास होते हैं, वो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उनके पास क्या बचा? उनके पास सिर्फ जनता में जाना, जनता को संबोधित करना, लोगों का दुख दर्द समझना। वही अगर वो इस ट्रैक पे चल रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, तो वही बन सकते हैं अगले गौतम बुद्ध। वरना भारत की भूमि पर उतने संपन्न कोई भी नहीं है कि जिसको इतनी सारी चीज़ें मिली हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच हर इंसान के मन में आ जाएगा उस लेवल पर पहुँचने के बाद कि यार जीवन में ना ये कमियाँ रही हैं, आज पूरे कर लो। यदि आप किसी को कुछ नेता बनाते हो, बहुत बड़ा नेता बनाते हो, बहुत राजा बना देते हो देश का, तो जहाँ से उठ के आया उसके मन में तो लालच ही भरा होगा अपने लोगों को डेवलप करने का, खुद के शौक पूरे करने का। इनके पास क्या है? सब कुछ तो कर चुके हैं, तो यही गौतम बुद्ध हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट में दीजिए, और जिसको मेरी बात अच्छी ना लगे वो भी अपनी राय कमेंट में दे सकता है। नफरती बीज मत बोना बस चैनल पर, सच्चाई को समझना और सोचना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। धन्यवाद।